सीधा अच्छा आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत आप कर दो बोलो गाइस हम जा रहे हैं स्केटिंग ये एल्फ क्लियर और हेलमेट लिए ग्लव्स के लिए और शूज के ओके चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चलो फिर वहीं पे पहुंच के मिलते हैं और साथ में है रवि जी अभी हम बस घर से निकले हैं सो ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है तो शॉपिंग ब्लॉग ही लेके आ जाऊँ थोड़ा सा छोटा वोटा जो भी है लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही अभी मेरे जो सब्सक्राइबर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से और आगे भी शेयर करते रहिए जिससे मेरे और ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए थैंक यू सो मच हम लोग जा रहे हैं हानिया कितना क्यूट लग रही है ना आज मेरी हानिया एक सिंपल छोटी ना कि हानिया के हेयर्स बड़े हो रहे हैं ना इसलिए है ना हानिया बोलो बेटा बोलो चलना है क्या रहने देते हैं क्यों क्या लेके आओगे वहां से डेकैथलॉन से क्या लेने जा क्या लाओगे आप हेलमेट नी कैप इसके लिए एल्बो के लिए नी कैप हां ये नीचे हेलमेट हां ओ शूज सब लाइए अन्या ये कितना सुंदर है हयात एजेंसी पार्किंग के लिए जगह देख रहे हैं तो हम पहुंच चुके हैं डेकैथलॉन कहाँ पे सीधा सीधा मैं आके तो देखो जब तो पता चलेगा चलो ऊपर चल चलो चलो अरे हाँ और हम यहाँ पे हाने के लिए ले रहे थे स्केटिंग शूज़ तो बस वही एज ग्रुप सेलेक्ट कर रहे थे तो हाने है 4 इयर्स की तो 4 इयर्स से स्केटिंग स्टार्ट करा देते हैं मैंने पहले भी यहाँ का एक ब्लॉग बनाया हुआ है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी वहाँ से तो आप वो भी देख लीजिए जाके कैसा कलेक्शन था कैसा है मिल जाएगा आपको फाइन
फाइनली हमें जो भी जो कलर चाहिए था हमें वो कलर मिल गया है, हानिया का फेवरेट पिंक, और यह साइज़ भी हानिया के लिए मिल गया था। बट हुआ कुछ ऐसा, आप देखते जाइए ब्लॉग में एंड तक। टाइट तो नहीं है जाना, टाइट है तो वो या अब वो। अरे भाई, इतनी कोशिश करने के बाद में भी, मतलब मैंने इतना ट्राई किया कि हाँ ना कि ये शूज़ आ जाए, बट पहनने में नहीं आ रहा था। इसमें पीछे से कोई प्रॉब्लम थी, कुछ डिफेक्ट था, इसकी वजह से पहन नहीं पा रही थी हानिया, इसका पैर ही नहीं जा रहा था एक्चुअली अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, आप देख सकते हो वीडियो में भी कि कितने टाइम से मैं लगी हूँ लग पहनाने के लिए, पर नहीं आ रहा क्योंकि शूज़ में कुछ डिफेक्ट था जिससे पैर अंदर नहीं जा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से पहनाया भी, तो आने ट्राई करके देखा, फिर हमने वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि ये डेली का ही काम रहेगा इतनी मुश्किलों से पहनाना, और कंफर्ट भी नहीं रहे। स्केटिंग लेना चाहिए तो एकदम परफेक्ट साइज़ हो जब भी लो, अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट हो तो बच्चों का गिरने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। जब मुझे वापस से कलेक्शन मिलेगा वहाँ पे तो मैं वापस जाऊँगी, ज़रूर लेकर आऊँगी। हानिया को स्केटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे हमारा मूड बदल गया हानिया को देखकर, कि हानिया इतनी एक्साइटेड थी अपनी स्केटिंग किट के लिए। और फिर हमने यहाँ पे बात भी कर ली थी कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये एक्सचेंज करके हमें दूसरा दे देंगे, अभी कलेक्शन अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे हानिया अपनी शॉपिंग खुद ही कर रही है, और इसको बकेट भी खुद ही लेकर जानी है नीचे, सारा काम खुद से करना इसको अच्छा लगता है। हम काफ़ी मना कर रहे थे, नहीं मान जाओ हानिया, मान जाओ बेटा गिर जाओगी, बट हमने ये शूज़ हेलमेट और ग्लव नी कैप वगैरह पूरा जो स्केटिंग सेट होता है वो ले तो लिया था। फिर कुछ ऐसा कौन कह रहा है, बहुत टाइम बाद सब चीज़ें पसंद आ गई हमें। थोड़ा सा कॉम्प्रो भी कर लिया, चलो ठीक है कैसे भी कर लेंगे हम, नहीं तो फिर चेंज कर लेंगे अगर नहीं समझ आएगी स्केटिंग शूज़। तो फिर हम नीचे सेक्शन में आ गए, तो साइकिल वाले सेक्शन में गए, तो हानिया ने देखी अपने लिए साइकिल, तो ये हानिया खुद से ही राइड कर रही है साइकिल, ये देखो। गई। अच्छा, मुझे ये डर था कि हानिया पहली बार साइकिल चला रही है तो कहीं गिर ना जाए, तो बार बार मैं हम दोनों उसके पीछे पीछे पकड़ रहे थे, लेकिन हानिया ने फाइनली चला ली थी खुद से, ये देखो खुद से चला ली थी। और साइकिल भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट थी और बच्चों के लिए एकदम अच्छी थी, परफेक्ट थी, और हानिया के हाइट के अकॉर्डिंग साइज़ भी सही था साइकिल का। तो हमने तीनों ने हानिया हम दोनों ने हानिया के साथ में एग्री करके हमने साइकिल ले ली, क्योंकि हानिया को स्केटिंग शूज़ से स्केटिंग किट से ज़्यादा पसंद आई साइकिल। तो फिर हमने फ़िलहाल के लिए साइकिल ले ली, फिर नेक्स्ट टाइम जब हमें अच्छा कलेक्शन मिलेगा तो स्केटिंग किट लेने आएंगे। बाहर नहीं जाना,
बैग आओ बैग। नहीं यहाँ खड़े हो जाओ, कपड़े मत खाओ, कपड़े मत खाओ, कपड़े मत खाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, लो हान्या। नहीं वो अच्छी लग रही है, ऑरेंज कलर नहीं अच्छा लग रहा। और फिर वहाँ से आने के बाद में हम लोग गए मंदिर, बालाजी के मंदिर, जहाँ पे हमें प्रसाद चढ़ाना था। तो बस अभी प्रसाद ले रहे हैं और मंदिर में डूब देंगे। मंदिर जाके इतनी शांति मिलती है ना, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, तो अच्छा लगता है। बालाजी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। यहाँ पे नीमड़ी के बालाजी हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और मुझे लग गई थी भूख। मैंने अभी पता नहीं क्यों यार अचानक से लेटे लेटे और इतना मन हुआ एकदम क्रीमी सा कुछ खाने का, स्पाइसी। तो मैंने सोचा रेड सॉस पास्ता बनाऊं, तो बस अभी रेड सॉस पास्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा पास्ता हो रहा है बॉयल, वही मैं दिखाती हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि आज रात को टाइम क्या हुआ, और अभी टाइम क्या हुआ, सवा एक बज रहे हैं, और आज रवि जी भी जग रहे हैं मेरे साथ, वही पास्ता खाने का वेट कर रहे हैं, और हम दोनों जग रहे हैं दोनों की दोनों। क्योंकि इन्होंने राखियाँ बनाई थी। हाँ मैं राखियाँ बनाई थी, मैं दिखाती हूँ अभी। मैंने मतलब घर के लिए बना रही थी बट मुझे ऑर्डर भी मिलने लगे, तो अच्छी बात है। तो फिर आपको बता दूँ अभी मेरे पास 50 राखियों का ऑर्डर आया हुआ है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, ये सारा मेरा पूरा सेटअप रखा हुआ है, और आधी ये सोफे पे ये पड़ी हुई हैं, और ये पूरी रेडी है, और अभी इनको पैक करना बाकी है। और मोर पंख देख के तो दिल ही खुश हो जाता है, मोर पंख देख के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है अभी, और ये कस्टमाइज राखियाँ हैं। अंधेरा हो गया, हान्या सो गई है। आप क्यों जा रहे हो अंदर? क्योंकि तो मैं आज आपको बता दूं कि क्या बताती, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया हैक। मतलब 19 जुलाई को जोधपुर में खुला था, जबकि जोधपुर में तो मैंने उस लोकेशन पे कहीं गई भी नहीं, और चेहरा कितना अजीब सा हो गया। पूरे मंथ मेरी दवाइयाँ चली हैं ना, तो मेरा चेहरा अजीब सा हो गया, फूला फूला सा और दाने दाने भी हो गए हैं। अच्छा तो बता दूँ कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया है, क्योंकि अभी मेरे पास मेल आया कि यहाँ पे मतलब ओपन हुआ 3 घंटे पहले, और जो डिवाइस थी वो मेरी थी भी नहीं। तो फिर मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज किया, तो उसकी वजह से मेरी तो नींद उड़ गई। राखी बना के मैं सोने गई थी, बस ये सब चीज़ देख के मेरी नींद उड़ गई, और फिर मुझे थोड़ी देर में लगी भूख, तो मैं बनाने लगी पास्ता। तो बस पास्ता का वेट कर रही हूँ, फिर थोड़ा सा बनाया है बस अपने टेस्ट मतलब टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करना था मुझे। और ये हाथ में मेरे लगी थी ना, तब थोड़ा सही हो गया है, अब धीरे धीरे ये भी सही हो जाएगा। और आज मैंने अपना ये शाम का जो ब्लॉग जो मैंने बनाया था डिकॉथलॉन का, वो मैं एंड भी नहीं कर पाई थी, वो भूल गई थी, अब इतना बिजी हो गई थी मैं आते ही। तो बस यहीं पे मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे पास्ता को भी ज़रूर देखना। बन चुका है मेरा पास्ता, बिल्कुल रेडी है, तो रवि जी के पास ले चलते हैं।
मजा आ गया। जैसे खाना था स्पाइसी बनाना था मुझे।